यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है, वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपसना पे प्रस्थान करेंगे, वे रेगुलरली जाते हैं विपसना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है ईडी को, जवाब देना है नहीं देना, क्या करना है आगे की रणनीति। यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है, वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपसना पे प्रस्थान करेंगे, वे रेगुलरली जाते हैं विपसना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है ईडी को, जवाब देना है नहीं देना, क्या करना है आगे की रणनीति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।